नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की। टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला ओलंपिक मेडल जीतने वाली नीरज चोपड़ा सोमवार शाम 5 बजे इंडिया वापस लौटेंगे। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम भी सोमवार शाम 5 बजे ही इंडिया वापस लौटेगी। एयरपोर्ट पर नीरज चोपड़ा और भारतीय हॉकी टीम का भव्य स्वागत देखने को मिल सकता है। शनिवार को नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। नीरज चोपड़ा से पहले तक कोई भी भारतीय एथलेटिक्स में मेडल नहीं जीत पाया था। इतना ही नहीं, टीम इवेंट के अलावा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं। भारतीय हॉकी टीम ने भी ओलंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है। जर्मनी जैसी मजबूत टीम को हराकर भारत मेन्स हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करने में कामयाब रही। 1980 के बाद ये पहला मौका है जो भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक में कोई मेडल हासिल हुआ हो। ओलंपिक में मिला ब्रॉन्ज मेडल देश में दोबारा से हॉकी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। तो सोमवार को भारत पहुंचेंगे नीरज चोपड़ा, जिन्होंने इतिहास रचा, और इसके साथ ही भारतीय हॉकी टीम भी साथ हो सकती है। तो ऐसे में एयरपोर्ट पर इनका भव्य स्वागत हो सकता है, क्योंकि ओलंपिक्स में काफी अच्छा प्रदर्शन ये खिलाड़ी करते हुए नजर आए। टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय थ्रोअर नीरज चोपड़ा पर इनामों की बारिश हो रही है। पानीपत के स्टार खिलाड़ी को हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए इनामी राशि देने की घोषणा की। इसके अलावा उन्हें राज्य सरकार की ओर से A1 कैटेगरी की जॉब भी मिलेगी। हरियाणा सरकार के अलावा IPL की चैंपियन फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ने नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए की बड़ी इनामी राशि देने की घोषणा की है। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऐलान करते हुए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि नीरज चोपड़ा के शानदार ऐतिहासिक उपलब्धि और सम्मान के स्वरूप में CSK नीरज को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दे रहा है। इसके अलावा CSK नीरज के सम्मान में 8758 नंबर की एक विशेष जर्सी भी बनाने का ऐलान किया है। दरअसल भारत के इस एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक के फाइनल में 87.58 मीटर का विशाल जेवलिन थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा किया। सीधा जो भाला लगा वो गोल्ड पर लगा। नीरज व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं। नीरज की पहले शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था। चेन्नई सुपर किंग्स के प्रवक्ता ने कहा है कि पूरे देश को नीरज पर गर्व है। टोक्यो ओलंपिक में उनका प्रदर्शन लाखों भारतीयों को ये खेल अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। खेल की किसी भी विषय पर उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए उनमें विश्वास पैदा करेगा। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए इतिहास रच दिया है और वो गोल्डन बॉय बन गए हैं, जिन पर इनामों की बारिश लगातार हो रही है। जहां एक तरफ हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग की फ्रेंचाइजी ने भी 1 करोड़ की इनामी राशि देने का ऐलान किया है। साथ ही साथ एक ग्रेड की नौकरी उन्हें दी जाएगी। यानी ये कहा जा सकता है कि ओलंपिक्स में जो गोल्ड मेडल नीरज लेकर आ रहे हैं और सोमवार वो भारत पहुंच जाएंगे यानी कि कल, तो एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत होगा। इसके साथ साथ नामों की बरसात जो है वो लगातार होती हुई नजर आ रही है। गूगल ने आज अपने होम पेज पर सरला ठकराल को उनकी 107वीं जयंती के अवसर पर एक डूडल समर्पित किया है। सरला ठकराल भारत की ऐसी पहली महिला है जिन्होंने विमान उड़ाया था। गूगल ने कहा कि हमने पिछले साल भारत में सरला ठकराल के सम्मान में इसी डूडल को चलाने की योजना बनाई थी, मगर जब केरल में दुखद विमान दुर्घटना हुई तो हमने घटना और राहत प्रयासों के संबंध में डूडल को रोक दिया। हम आमतौर पर 1 से अधिक बार डूडल नहीं चलाते, लेकिन ठकराल ने उड्डयन में महिलाओं के लिए एक ऐसी स्थायी विरासत छोड़ी है कि हमने इस साल उनके 107वें जन्मदिन के सम्मान में डूडल चलाने का फैसला किया। सरला ठकराल का जन्म 8 अगस्त 1914 को दिल्ली में हुआ था और बाद में वो वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर में चली गई। वो एक भारतीय पायलट, डिजाइनर, उद्यमी थी। अपने पायलट पति से प्रेरित होकर ठकराल ने उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रशिक्षण लेना शुरू किया। 21 साल की उम्र में एक पारंपरिक साड़ी पहने उन्होंने अपनी पहली एकल उड़ान के लिए एक छोटे से 2 पंखे वाले विमान के कॉकपिट में कदम रखा। समाचार पत्रों ने तुरंत ही ये प्रचार प्रसार कर दिया कि आकाश अब केवल पुरुषों के लिए नहीं रहा है, ये महिलाओं के लिए भी बन चुका है। तो पहली महिला पायलट थी सरला ठकराल। आज गूगल ने उनका
खास डूडल बनाया है और आज उनकी 107वीं जयंती है। इस मौके पर ये पूरा सम्मान उन्हें गूगल की तरफ से दिया जा रहा है। हालांकि गूगल की तरफ से कहा गया कि पिछले साल उन्होंने इस सम्मान देने की योजना बनाई थी, लेकिन इन्हीं दिनों एक विमान हादसा हुआ था केरल में, जिसकी वजह से ऐसा वो नहीं कर पाए, तो इस बार ये सम्मान उन्हें दिया जा रहा है। भारत ने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, लेकिन कंपनी का कहना है कि वैक्सीन की भारत में डिलीवरी के लिए टाइमलाइन का ऐलान करना भी जल्दबाजी होगी। कंपनी ने भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन किया था। घरेलू वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल लिमिटेड के साथ आपूर्ति समझौते के जरिए वैक्सीन को भारत लाया जाएगा। कंपनी ने बताया कि हम लोग डिलीवरी के मानकों की प्रतिबद्धता को पूरा करने की ओर देख रहे हैं। वैक्सीन की डिलीवरी के लिए अभी से टाइमलाइन का ऐलान करना फिलहाल असमयिक है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना के बाद जॉनसन पांचवी वैक्सीन है जिसे मंजूरी मिली है। मॉडर्ना को जून में मंजूरी मिल गई थी, लेकिन कंपनी की तरफ से मांगी गई कानूनी सुरक्षा को लेकर विवाद के चलते अब तक एक भी डोज भारत नहीं आ पाई है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि जॉनसन एंड जॉनसन की भी कानूनी मानकों को लेकर भारत के साथ सहमति बन पाई है या नहीं। अमेरिका की फाइजर कंपनी को भी भारत में वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए अनुमति लेनी होगी। तो जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिल गई है, लेकिन डिलीवरी का समय तय नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे में जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है जो लगातार धीमी पड़ रही थी, ऐसी शिकायतें लगातार तमाम राज्यों की तरफ से आ रही थी, उससे कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है, उसमें तेजी आ सकती है। इससे पहले मॉडर्ना की वैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई थी, लेकिन कुछ कानूनी दावपेच में वो फंसी हुई है, एक भी डोज जो है वो भारत नहीं आ पाई है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन आ रही है भारत में, इसकी डोजेस जल्द ही भारत को मिलेंगी, ताकि जो ये बहुत बड़ा अभियान चलाया हुआ है वैक्सीनेशन का भारत में, ये अपने चरम पर पहुँचे और जो भी व्यक्ति है भारत में उस तक कोरोना के दोनों डोज पहुंच सके। हालांकि अगर जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की बात की जाए तो सिंगल डोज वैक्सीन है, यानी कि अगर ये वैक्सीन किसी को लगती है तो उसे उसकी दूसरी डोज लगवाने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने जहां पंजाब प्रांत में गणेश हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ किए जाने के खिलाफ सख्त एक्शन लिया, वहीं मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन मिल्की जहजीत काउंसिल खुलकर हमलावरों के पक्ष में आ गया है। पाकिस्तान के 22 धार्मिक और राजनीतिक दलों और संगठनों से मिलकर बने मिल्की यकजहती काउंसिल ने शुक्रवार को मंदिर में तोड़फोड़ और मूर्तियों को अपवित्र किए जाने की निंदा करने से इनकार कर दिया। वहीं पाकिस्तानी काउंसिल ने यह भी दावा किया है कि उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है। पार्टी ने दावा किया कि जब पाकिस्तान से लेकर भारत तक रहीम यार खान इलाके में मंदिर में तोड़फोड़ किए जाने की घटना पर बवाल मचा हुआ है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इस घटना को लेकर बयान जारी करना पड़ा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इस घटना से पाकिस्तान की छवि को दुनिया भर में नुकसान पहुँचा है। काउंसिल के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से जब मंदिर पर हमले के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने हैदराबाद की घटना का जिक्र करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, हैदराबाद में एक मंदिर के सामने एक मुस्लिम परिवार रहता है, इस इलाके में कई हिंदू परिवार भी रहते हैं। हिंदुओं ने एक शिकायत करके अधिकारियों से कहा था कि मंदिर के सामने गाय की कुर्बानी को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। काउंसिल के अध्यक्ष ने कहा, बहुसंख्यक लोगों को भी अधिकार है। अध्यक्ष ने दावा किया है कि शरिया कानून और संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यकों को अधिकार ना दिया जाना भी उचित नहीं है। ये पूछे जाने पर कि भारत और इजराइल में बहुसंख्यक भी इस तरह का तर्क देकर अपने कृत्यों को सही ठहरा सकते हैं, इस पर अध्यक्ष के सुर बदल गए और उन्होंने कहा कि उन्हें पंजाब में मंदिर पर हमले की जमीनी हकीकत पता ही नहीं है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान से एक वीडियो सामने आया था, उसमें एक मंदिर में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे थे, मूर्तियों को खंडित किया, मंदिर को अपवित्र किया, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। भारत में इसकी कड़ी निंदा हो रही है। हालांकि पाकिस्तान के कुछ नेता ऐसे थे जो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि इसकी जांच जल्द होगी, लेकिन इमरान खान इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इससे बचती हुई नजर आ रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के डेल्टा के फैलने के मद्देनजर अमेरिकी नागरिक गीना वेल्च ने कोई जोखिम मोल नहीं लेने का फैसला किया और उन्होंने स्वास्थ्यकर्मियों को यह कहकर कोविड-19 की तीसरी बूस्टर खुराक लगवाई कि ये उसकी पहली खुराक है।
अमेरिकी सरकार ने बूस्टर खुराक को मंजूरी नहीं दी है। उसका कहना है कि अभी इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि बूस्टर खुराक आवश्यक है, लेकिन अमेरिका में वेल्च की तरह बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश में टीकों की ज्यादा मात्रा होने और पूर्ण टीकाकरण करा चुके लोगों पर नजर नहीं रखे जाने का लाभ उठाते हुए बूस्टर खुराक ले ली है। केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही स्नातक छात्रा वेल्च ने कहा है कि वो कोविड-19 संबंधित वैज्ञानिक अध्ययनों पर लगातार नजर रखती है और सोशल मीडिया पर कई विषाणु वैज्ञानिकों और महामारी विशेषज्ञों के सोशल मीडिया खातों पर दी गई जानकारी भी पढ़ती रहती है जिनमें बूस्टर खुराक का समर्थन किया गया है। तो अमेरिका में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का डर लगातार बना हुआ है। कुछ लोग लगातार वैक्सीन की तीसरी बूस्टर डोज ले रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि बूस्टर डोज मिलनी चाहिए, वो भी तीसरी, लेकिन ऐसा हो रहा है। कुछ लोग जो है घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, तो ऐसे में वो तीसरी बूस्टर डोज भी ले रहे हैं। हालांकि इससे नुकसान भी हो सकता है। तो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट लगातार भारत के साथ साथ कई देशों में कहर बरपा रहा है। कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली दवा फेनोफाइब्रेट से कोरोना के संक्रमण का खतरा 70% तक घटा सकती है। ये दावा यूके की बर्मिंगम यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने अपनी हालिया रिसर्च में किया है। रिसर्चर्स का दावा है कि इस दवा में मौजूदा फेनोफाइब्रिक एसिड कोविड के संक्रमण को घटाती है। शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल में साबित भी हुआ है। फेनोफाइब्रेट एक ओरल ड्रग है। इसका इस्तेमाल ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और लिपिड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। दुनिया भर में दवा आसानी से उपलब्ध है और सस्ती भी है। कोलेस्ट्रॉल के मरीजों पर दवा इस्तेमाल करने के लिए दुनिया भर की ज्यादातर ड्रग अथॉरिटी भी मंजूरी दे चुकी है। शोधकर्ता एलिजा विजेंसी का कहना है कि रिसर्च के परिणाम बताते हैं कि फेनोफाइब्रेट में कोरोना के संक्रमण को गंभीर होने से रोकने की क्षमता है। ये वायरस को फैलने से रोकने में भी मदद करती है। शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि सभी क्लिनिकल ट्रायल पूरे होने के बाद ये दावा उन लोगों को भी दी जा सकेगी जिनके वैक्सीन नहीं दी गई है, यानी कि जिन्हें वैक्सीन नहीं मिली है उनको भी ये दवा दी जा सकती है, जैसे बच्चे और हाइपर इम्यून डिसऑर्डर से जूझने वाले मरीज। तो ब्रिटिश रिसर्चर्स ने ये बड़ा दावा किया है, कोलेस्ट्रॉल की दवा से कोरोना का खतरा 70% तक घट सकता है। अब देखना होगा कि ये दवाएं जब उन्हें दी जाएंगी तो उसका असर कितना निकलकर सामने आता है। कलौंजी कोरोना वायरस को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकती है। इसमें थाइमोक्विनोन नाम का तत्व पाया जाता है जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन से चिपक कर उसे फेफड़ों तक नहीं पहुंचने देता। भविष्य में कलौंजी का इस्तेमाल कोरोना के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। ये दावा ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने अपनी हालिया रिसर्च में रिसर्च करने वाली सिडनी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रोफेसर कनीस फातिमा शाह का कहना है। कोरोना से संक्रमित कई मरीजों का इम्यून सिस्टम बेकाबू होने लगता है। नतीजा रोगों से बचाने वाला इम्यून सिस्टम ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है। इसे साइटोकाइन स्ट्रोम कहते हैं। कलौंजी इसे साइटोकाइन स्ट्रोम को रोकने की कोशिश करती है, साथ ही शरीर में सूजन भी कम करती है। थाइमोक्विनोन के कारण अस्थमा, एक्जिमा, आर्थराइटिस के इलाज भी कलौंजी असरदार साबित होते हैं। रिसर्चर्स डेनिस कॉर्डवा कहते हैं कि कलौंजी का इस्तेमाल हजारों सालों से घरेलू नुस्खों के तौर पर किया जाता रहा है। कलौंजी में मौजूदा थाइमोक्विनोन के कारण सूजन और संक्रमण से जुड़ी बीमारियों का इलाज हो सकता है। ये स्टाफाइलोकोकस जैसे बैक्टीरिया और इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस को खत्म करने में भी लगातार मदद करता है। तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने बड़ा दावा किया है, फेफड़ों में संक्रमण को फैलने से कलौंजी रोकती है। कलौंजी वही जिसका भारत में मसालों में इस्तेमाल किया जाता है, अचार में खूब इस्तेमाल किया जाता है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ जो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक हैं वो आने वाले समय में कोरोना वैक्सीन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में अब जल्द ही हाइड्रोजन पर आधारित तकनीक से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत की जा सकती है। इस तकनीक को सबसे पहले जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली करीब करीब 90 किलोमीटर ट्रैक पर विकसित किया जाएगा। अगर ये तकनीक भारत में सफल होती है तो दुनिया में भारत तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जहाँ ग्रीन एनर्जी का उपयोग किया जाएगा। एडीजी प्रो राजीव जैन ने कहा है कि हम जींद और सोनीपत के बीच करीब 90 किलोमीटर ट्रैक पर चलने वाली डेमो ट्रेनों में रेट्रोफिटिंग करेंगे। इसके लिए प्री बिड कॉन्फ्रेंस 17 अगस्त को होगी और हमें उम्मीद है कि 5 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहीं रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के सीईओ
एसके सक्सेना ने कहा है कि हम डीजल जनरेटर को हटा देंगे और एक हाइड्रोजन ईंधन सेल स्थापित करेंगे। इनको डीजल से हाइड्रोजन ईंधन में बदल जाएगा। ये ईंधन का सबसे स्वच्छ रूप होगा। अगर हाइड्रोजन सौर से उत्पन्न होता है तो इसे हरित ऊर्जा कहा जा सकता है। तो भारत में जल्द हाइड्रोजन से ट्रेनें चलेंगी और ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले जींद सोनीपत के लिए प्रोजेक्ट तैयार होगा और ऐसा करने वाला भारत भी एक ऐसा देश बन जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ट्रेनें चलेंगी और पूरी तरह से हरित होंगी, यानी कि इको फ्रेंडली होंगी, जिससे पॉल्यूशन तमाम चीज़ें नहीं हो सकती। भारत में कोरोना की दूसरी लहर अभी स्थिर है। देश में हर दिन करीब 40,000 नए मामले बढ़ रहे हैं। रविवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 39,070 नए केसेस सामने आए और 491 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटों में 43,910 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, यानी कि कल 5,331 एक्टिव केस कम हुए हैं। अगस्त में तीसरी बार है जब कोरोना के मामले 40,000 से कम दर्ज हुए हैं। इससे पहले 2 अगस्त और 6 अगस्त को 40,000 से कम केस आए थे। 1 अगस्त को 40,134, 2 अगस्त को 30,000 और 3 अगस्त को 42,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। 5 अगस्त को 42,000, 6 अगस्त को 44 और अब 38,000 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। अब तक कुल 3,19,34,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,27,862 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 3,10,99,000 लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अभी भी 4,00,000 से ज्यादा है। कुल 4,06,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो कोरोना एक बार फिर से कहर मचाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर तलाशी ली। एजेंसी सीआरपीएफ के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के कई जिलों में कई जगहों पर तलाशी कर रही है। हालांकि अभी अधिकारी मामले की जानकारी शेयर करने पर चुप्पी साधे हुए हैं। एजेंसी की माने तो आतंकवादी रोधी जांच एजेंसी प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात इस्लामी के वरिष्ठ सदस्यों से जुड़े परिसरों की तलाशी ले रही है। कम से कम 40 स्थानों पर तलाशी चल रही है। हाल के दिनों में एनआईए ने 2 अलग अलग मामलों में अलग अलग जगहों पर तलाशी ली है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एक दिन पहले एनआईए ने बेंगलुरु में डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस स्टेशन हमले के मामले में 7 स्थानों पर तलाशी ली। एजेंसी ने मामले में 7 फरार आरोपियों के परिसरों में बेंगलुरु में 7 स्थानों पर तलाशी ली थी, जो कि मामले में आरोपित है। तलाशी के दौरान फरार आरोपियों के परिसरों से कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। 2 मामले मूल रूप से क्रमशः डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस थानों में दर्ज किए गए, जो 11 अगस्त 2020 में घटना से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते एक मंदिर का शिलान्यास कर सकते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्मरणीय बाबा सोमनाथ की आद्यशक्ति देवी पार्वती मंदिर का वर्चुअली शिलान्यास होगा और मंदिर के शिलान्यास के साथ प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर परिसर के चारों ओर बनाए गए परिपथ का लोकार्पण भी करेंगे। सोमनाथ मंदिर परिसर में 21 करोड़ रुपए की लागत से सफेद संगमरमर से देवी पार्वती के मंदिर निर्माण का शुभारंभ 9 अगस्त को आमंत्र श्रावण मास की शुरुआत से हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। सोमनाथ मंदिर अरब सागर के बिल्कुल किनारे है। यहाँ से लहराते हुए सागर का नजारा बहुत सुंदर लगता है। इसे और दिलकश बनाने के लिए सरकार ने 45 करोड़ रुपए की लागत से 1.25 किलोमीटर लंबा वॉक वे बनाया है। यहाँ टहलते हुए पर्यटक, श्रद्धालु और स्थानीय लोग मंदिर के दिव्य वातावरण और निसर्ग की गोद का आनंद एक साथ उठा सकते हैं। मंदिर के घंटों की गूंज और सागर की गरज एक साथ एक दो बार नहीं बल्कि 17 बार विध्वंस देखने के बाद आज़ादी के बाद देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में 8 मई 1950 को सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को ये ज्योतिर्लिंग की स्थापना कराई और 1 दिसंबर 1955 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया। हालांकि मंदिर 1962 में पूरा हुआ। तो पीएम मोदी जल्द ही इस मंदिर का शिलान्यास करेंगे। देवी पार्वती का ये मंदिर है। 21 करोड़ की लागत से ये मंदिर तैयार होगा। आपको बता दें कि सफेद संगमरमर से ये पूरा मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त ही, 21 करोड़ की लागत से मंदिर बनकर तैयार होगा। आपको बता दें कि कल इसका
वर्चुअली शिलान्यास किया जाएगा। तो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्मरणीय बाबा सोमनाथ की आद्य शक्ति देवी पार्वती मंदिर का वर्चुअल शिलान्यास किया जाएगा। मंदिर के शिलान्यास के साथ प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर परिसर के चारों ओर बनाए गए परिपथ का भी लोकार्पण कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। सोमनाथ मंदिर परिसर में 21 करोड़ रुपए की लागत से सफेद संगमरमर से देवी पार्वती के मंदिर निर्माण का शुभारंभ 9 अगस्त को अमांत श्रावण मास की शुरुआत से हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। सोमनाथ मंदिर अरब सागर के बिल्कुल किनारे में और ये जो दृश्य है वो बेहद ही अद्भुत रहता है। यहाँ से लहराते हुए सागर का नजारा बहुत सुंदर लगता है। इसे और दिलकश बनाने के लिए सरकार ने 45 करोड़ रुपए की लागत से 1.25 किलोमीटर लंबा वॉक वे बनाया है। यहाँ टहलते हुए पर्यटक श्रद्धालु और स्थानीय लोग मंदिर के दिव्य वातावरण और निसर्ग की गोद का आनंद एक साथ उठा सकते हैं। तो वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही एक कॉरिडोर का लोकार्पण भी किया जा सकता है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर को लेकर, इसके सुंदरीकरण को लेकर 45 करोड़ की लागत से यहां पर सारी तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अगली किस्त सोमवार यानी 9 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति में इसकी सूचना दी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसे 9.75 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इस दौरान पीएम मोदी किसानों के साथ बातचीत करेंगे और राष्ट्र को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत लालू प्रसाद यादव के परिवार में एक बार फिर से शीत युद्ध देखने को मिल रहा है। इस बार की पुष्टि तब हो गई जब छात्र आरजेडी की तरफ से पटना की सड़कों पर लगाए गए पोस्टर में तेज प्रताप के साथ तेजस्वी की तस्वीर गायब दिखी। इस पोस्टर में लालू और राबड़ी की तस्वीर तो दिख रही है, लेकिन तेजस्वी कहीं नहीं दिख रहे। ये पोस्टर सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि पटना में पार्टी दफ्तर पर भी लगाए गए हैं। बता दें कि आज तेज प्रताप ने छात्र आरजेडी की बैठक बुलाई, जिसमें संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को उपस्थित रहने का आदेश जारी किया गया है। इसी उपलक्ष्य में तेज प्रताप के समर्थकों ने पटना में कई जगहों पर पोस्टर लगाया है, जिसमें तेजस्वी यादव को जगह नहीं दी गई। हालांकि इन पोस्टर्स पर लालू यादव और राबड़ी देवी मौजूद हैं। यहां तक कि छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव की भी तस्वीर लगी हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव की तस्वीर लगातार गायब नजर आ रही है, जिससे बिहार की राजनीति में सरगर्मियां तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लालू परिवार में शीत युद्ध अब भी लगातार बरकरार है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।